हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं कि फ्लेक्स डिजाइन कैसे बनाई जाती है कोरल ड्रॉ में। तो सबसे पहले हम मेरे पास जो मटेरियल है लिखने का, वो हमने पहले से ही कंपोज किया हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी साइज सेट करते हैं। तो मैंने यहाँ से 4x3 के अंदर मैंने यहाँ पर सेट कर लिया है इसका, एक हम डुप्लीकेट करके और इसमें आउटलाइन हम 2-2 इंच की छोड़ देते हैं। तो ये हमने मतलब जो बॉक्स बना लिया है कि इसमें हमें मीटर को कंपोज करना है, सेट करना है। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले कि जो हमने ये मीटर को सेट करना है, तो उसके लिए हम बैकग्राउंड तैयार करते हैं। तो हमने यहाँ से टूल बार में उठा के, यहाँ से हमने इस टूल का इस्तेमाल करके यहाँ से हम पॉइंट लेते हैं और यहाँ से इस पॉइंट तक अपने कलर फिल करते हैं। तो कर इसके टूल बार की सहायता से हम इसको थोड़ा सा, इस लाइन को थोड़ा स्टाइलिश बना लेते हैं ताकि हमारा बैकग्राउंड भी अच्छा बने। यहाँ से इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं अच्छे तरीके से यहाँ से, ये हमने स्मार्ट टूल की सहायता से इसमें कलर का जो सेट है, जो पार्ट बनाते हैं अलग अलग, वो हमने यहाँ भी इसको दूसरा पार्ट बना लेते हैं स्मार्ट टूल की सहायता से। ये मैंने स्मार्ट टूल की सहायता से 2 पार्ट बना लिए। अब हम यहाँ से जो सेलेक्ट करते हैं आउटलाइन, ये लाइन दी हुई है उसी को हम नीचे और रो करेंगे, करते हैं तो इसको भी हम स्मार्ट टूल की सहायता से इसमें भी कलर फिल करते हैं। तो हमने जो अलग अलग पार्ट है जिसमें कलर्स फिल करने हैं बैकग्राउंड के लिए, तो ऊपर वाले पार्ट में हम सबसे पहले कलर फिल, कलर बार में जाएंगे, यहाँ से कलर बार में जाते हैं तो ये ऊपर वाला पार्ट है उसमें हम ये कलर बार में जाके यहाँ से कलर फिल करेंगे। F11 की सहायता से हम इसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए थोड़ा कलर, इसमें दूसरा कलर भी साथ में फिल करते हैं। तो ये हमके सेकंड वाला ऑप्शन है जो इसमें, यहाँ से ओके करके यहाँ से हम ओके कर देंगे तो ऊपर वाला पार्ट तैयार हो जाता है। नीचे वाले पार्ट में हम वही कलर फिल करेंगे, डीप येलो का हमने यहाँ से कलर लिया है जो कि येलो कलर का है। और जो हमारे पास जो दूसरे हैं छोटे छोटे, जो यहाँ पे हम लाइट येलो कलर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैंने चारों तरफ से इसको तैयार कर लिया है। अब इसमें हम यहाँ से मतलब जो बैकग्राउंड है उसमें आउटलाइन को भी हम यहाँ पे कलर फिल करेंगे। तो हमने आउटलाइन का भी हमने कलर यहाँ से फिल कर लिया है, ब्लू कलर में है। अब यहाँ से आप देख रहे हैं ये हमारा बैकग्राउंड जो पूरा तरीके से तैयार हो गया है। अब हमें जो हमारे पास मटेरियल लिखा हुआ है पहले से ही, उसको हम यहाँ सेट करेंगे। दोस्तों, आज आपके पास लिखा हुआ नहीं होगा, आपको पहले से ये कंपोज करना पड़ेगा। मैंने तो इसलिए यहाँ पहले से कंपोज किया हुआ है कि ताकि वीडियो लंबा ना हो और कम समय में ही वीडियो बन पाए, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो होगा तो पब्लिक बोर हो जाती है, इसलिए मैं शॉर्ट में ही वीडियो अधिकतर बनाता हूँ। हम यहाँ से सबसे पहले इनका नाम है जो गिरधारी लाल जी सिंह है, तो यहाँ पे हम इसको सेट करते हैं ऊपर यहाँ से। तो इसके मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने KVC फॉन्ट का उपयोग किया है। आप अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग जिस प्रकार आप इसमें कलर फील वगैरह सभी अलग अलग बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। और जो यहाँ पे जो मेन हेडिंग है यहाँ पे है प्रो गिरधारी लाल सैनी, तो
तो इसको हम थोड़ा अलग से अट्रैक्टिव बनाएंगे, उसमें येलो कलर करके हम यहाँ से आउटलाइन यहाँ पे दे देते हैं। हम आउटलाइन भी थोड़ी मोटी देंगे और ये यहाँ से हमने जो नीचे है कि इसको व्हाइट में कर देते हैं। जो यहाँ से बीच वाला जो मैटर है इसको हम यहाँ एडजस्ट करेंगे और इसमें थोड़ा हम फॉन्ट है जो कि चेंज करते हैं, थोड़ा यहाँ से फॉन्ट में जाएंगे और यहाँ से इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं और यहाँ पे हम येलो कलर देते हैं। इसमें भी आउटलाइन दे देते हैं ब्लैक वाली ताकि थोड़ी अक्सर है जो अपने को उभर कर लगे। और यहाँ पे जो इनका पता है शिक्षा विहार शिव मार्ग ई ब्लॉक रामनगरिया रोड एसकेटी कॉलेज जैतून कृषि फार्म, तो यहाँ इसको हम यहाँ से अलग कलर फिल करते हैं और इसको यहाँ से सेट करते हैं, सेलेक्ट करके यहाँ से हम कलर फिल करते हैं ताकि अच्छा लगे हमें एड्रेस और अच्छे से समझ में आए। अब हम यहाँ से फोटोज लेनी है तो हम यहाँ पे नेट का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ से हम इस फोटो को सेव कर लेते हैं, यहाँ पे सेव राइट क्लिक करके यहाँ से डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लेते हैं। अब दूसरा है ऐसी कोई अच्छी सी फोटो लेंगे ताकि हमें लगाए तो अच्छी लगे फ्लेक्स में, इसको हम यहाँ से राइट क्लिक करके सेव एज कर लेते हैं, डेस्कटॉप में जाके इसको भी उसी प्रकार से सेव कर लेते हैं। अब एक फोटो और लेनी है अपने को, इसमें जो कि सब्जी खरीद बेचने वाला तर है, हम यहाँ पे यहाँ से कम मुझ यहाँ से नेट पे हमने उसे टाइप किया है, ये हमें तीनों फोटो जो है ले लिए, तो यहाँ से हम ले लेते हैं फोटो को, यहाँ से ये मैंने ये ले लिए। तो हमारे पास फोटो आ गई है तो इनको थोड़ा सा बड़ा करेंगे यहाँ पे, ये यह हमने यहाँ से थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से इसको हटा देंगे और यहाँ हम तीन बॉक्स बनाएंगे बराबर के यहाँ पे और इनको यहाँ से इस टूल के माध्यम से थोड़ा सा इनके किनारों को थोड़ा मोड़ दिया है, इसको थोड़ा सा इस अलाइनमेंट के साथ इसको थोड़ा सा मतलब टेढ़ा कर देते हैं कि बॉक्स को जो अच्छा लगे। इसके हम थोड़ा सा हम यहाँ से बॉक्स लेके चारों तरफ से हम इसको मोड़ के यहाँ पे करके इसका थोड़ा साइज है जो तीनों की बराबर रखेंगे, तो हमने यहाँ पे सेट कर लिया, एक को यहाँ पे सेट कर लिया, तो हमने बराबर के तीन बॉक्स यहाँ पे ले लिए। अब इनमें हम हैं क्योंकि फोटोज पावर क्लिप के माध्यम से इनमें अंदर इंसर्ट कर देते हैं। दोस्तों मैंने पावर क्लिप का एक वीडियो बनाया हुआ है, कृपया आप वो वीडियो चैनल पे जाके देख सकते हैं कि किस प्रकार से पावर क्लिप का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे मैंने ये सहायता से ले ली। अभी हमारे पास एक फोटो और है तो हम इस फोटो को भी इसमें यहाँ पे सेट करते हैं। तो आप देख रहे हैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं फोटो, यहाँ से इसको यस का ओके कर देते हैं।
तो ये हमारा एक पैटर्न है, ये तैयार हो जाता है। हल्के हल्के हम आउटलाइन दे देते हैं ताकि फोटोज भी थोड़ा उभर के आए और हमें अट्रैक्टिव लगे। और इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास जो हम मोबाइल नंबर यहाँ सेट कर लेते हैं, इस प्रकार से दोस्तों हमने ये डिजाइन एक तरीके से पूरा कंप्लीट कर लिया है। बस खाली हम यहाँ पे श्री गणेश जी का इमेज भी लगा देते हैं। तो यहाँ से हम श्री गणेश जी की फोटो ले लेते हैं, जो कि मैंने पहले से इसका बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ है। तो दोस्तों आपको हमारा ये फ्लेक्स बैनर की डिजाइन जो कैसी लगी, तो हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आपको नए नए वीडियो इसी प्रकार मिलते रहे, इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब भी जब हमारे पास कोई नया वीडियो हम अपलोड करते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल पाए और आप उसका भरपूर फायदा उठा सकें। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाता है, तो इसी के साथ हम एक नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच।